पोको एक्स थ्री जी टी। जी हाँ, एक नया नाम निकल कर आया है, पोको एक्स थ्री जी टी, जो कि रेडमी नोट 10 प्रो जो कि चाइनीज़ वेरिएंट है, उसका रीब्रेंडेड वर्जन होने वाला है। ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है। आपने देखा होगा चाइना में नोट 10 सीरीज के दो फ़ोन लॉन्च हुए थे, एक नोट 10 5G और एक नोट 10 प्रो 5G। इसमें से नोट 10 5G ग्लोबल मार्केट में नोट 10 टी के नाम से लॉन्च हुआ है और इंडिया में वो पोको M3 प्रो 5G के नाम से लॉन्च होने वाला है, जिसकी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट सब कुछ कंफर्म हो गया है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप पोको M3 प्रो के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक और वेरियंट जो बचा हुआ था रेडमी नोट 10 प्रो 5G के नाम से, वो अब रीब्रेंडेड होकर पोको X3 GT के नाम से आने वाला है, रीब्रेंडेड होकर इंडिया में। ग्लोबली किस नाम से लॉन्च होता है ये कन्फर्म नहीं, पर हाँ बहुत जल्द ये भी कन्फर्म हो जाएगा ग्लोबली किस नाम से लॉन्च होता है और इंडिया में किस नाम से आने वाला है। पर हाँ, पोको X3 GT के नाम से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पोको M3 प्रो के नाम से रेडमी नोट 10 5G लॉन्च होने वाला है। तो अगर हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब कि रेडमी नोट 10 प्रो 5G के बारे में, जो कि पोको X3 GT के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है, तो ये फ़ोन डायमंडसिटी 1100 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। साथ ही 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले होगा, जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। साथ में HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी इसमें होगा। साथ ही गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बेजल लेस फोन होने वाला है, पंच होल डिस्प्ले होगी। अगर कैमरे की बात की जाए, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा होगा, जो कि ट्रिपल रियर कैमरे के साथ होगा, और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा जो कि पंच होल के साथ होगा। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की इसकी बैटरी होगी, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही 67 वाट का फास्ट चार्जर होगा, जो कि Redmi Note 10 Pro 5G में यूज़ किया गया है। तो Poco X3 GT के साथ भी आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। और लुक और डिज़ाइन की बात की जाए तो Poco M3 Pro से सिमिलर इसका डिज़ाइन होगा। अगर प्राइस की बात की जाए तो समथिंग 17,000 के आसपास ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में।